सुवाथु छावनी में मॉनसून की पहली बारिश ही लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। इस बारिश के चलते सोलन मार्ग पर SBI के समीप एक घर में पानी भर गया। इससे वहां रह रहे लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आलम ये रहा कि उनके सभी कमरे तालाब के रूप में तब्दील हो गए। घर में इतना पानी देख महिला के भी होश उड़ गए। बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व छावनी परिषद द्वारा क्षेत्र के सभी नालों को ढक दिया गया है, लेकिन निकासी की उचित व्यवस्था ना होने के कारण बारिश होते ही ढके हुए नाले ओवरफ्लो करने लगते हैं। घर में पानी घुसने से सामान का नुकसान काफी हुआ है। अगर परिषद ने समय रहते इन नालों के पास ठीक निकासी नहीं बनाई तो रोज ऐसा हाल देखने को मिल सकता है। नुकसान हुआ है मेरा, पानी अंदर पूरे दोनों कमरों में इतना इतना पानी भर गया है। पूरा कंप्यूटर हीटर जितना भी मेरा सामान सोफा वगैरह सब पानी खराब हो गया। पानी में सारा कुछ पानी में डैमेज हो गया मेरा, और इतना इतना पानी सब लोग लगे हुए सफाई करने के लिए। पूरा पूरा पानी भरा हुआ, इतना इतना पानी निकल रहा है, 8-8 बाल्टी पानी अंदर से घर से निकल रहा है। सारा जो पानी है वो सारा यहाँ के यहाँ घर के अंदर पूरा फ्लोस का हमारी तरफ ही था। नमस्कार, मेरा नाम राजेश शर्मा है, मैं सुबातु निवासी हूँ यहाँ का। और हमारे साथ में एक घर है हमारे मनोज भाई साहब का, SBI बैंक में जॉब करते हैं। उनके घर के में आज इतनी भारी बारिश हुई है तो इतना पानी आया है कि घर के अंदर पूरा पानी पानी हो गया, सारा खराब सामान भी खराब हो चुका है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो कैंट बोर्ड है, कैंट बोर्ड ने जो नाले थे, नाले इन्होंने क्या किया है कि ये पूरे बंद कर चुके हैं। उसके वजह से पानी जो है उसको ड्रेन में ना जाने के बाद आपका घरों के अंदर पानी घुस रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो ड्रेन है इसको प्रॉपर जाला लगाना चाहिए इसके ऊपर, ना कि इंटरनेट बंद होना चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुबाथू से कपिल गुप्ता की रिपोर्ट। हिम एग्रो केमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स डील्स इन ऑल काइंड ऑफ पावर टिलर, पावर स्प्रेयर्स, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड एटसेट्रा। एड्रेस कृष्णा भवन विलेज शांति, राजगढ़ रोड, सोलन। कॉन्टैक्ट 9418083258268629123454।